पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एशियन विवेकानंद अस्पताल के प्रांगण में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एशियन अस्पताल के चेयरमैन और निदेशक डॉक्टर एन के पांडे, एशियन हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद, मार्केटिंग हेड शैलेश झा, विवेकानंद के ट्रस्टी विनोद खन्ना, डॉक्टर देव प्रकाश मनचंदा, सुभाष ढल, गोपाल मेहता और सेंटर हेड डॉक्टर विशाल शर्मा मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, धामपुर, कांठ, काशीपुर, शोहारा, गाजियाबाद और आसपास से तकरीबन 850 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रथम श्रेणी में, 9 से 12 वर्ष के बच्चों को दूसरी श्रेणी में और 13 से 16 वर्ष के बच्चों को तीसरी श्रेणी में रखा गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों की थीम दी गई थी। प्रथम श्रेणी के बच्चों ने राष्ट्र पक्षी और जानवर, दूसरी श्रेणी के बच्चों ने जल बचाओ और पृथ्वी बचाओ तथा तीसरी श्रेणी के बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान की थीम को कागज पर उकेरा। बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को साफ सफाई, पानी बचाने के संदेश दिए। प्रतियोगिता के जज चित्रगुप्त इंटर कॉलेज से नवनीत गोस्वामी, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल से मंजू सिंह और साहू रमेश कुमार गर्ल्स इंटर कॉलेज से शैलजा रस्तोगी ने बच्चों की कला का निर्णय किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों के द्वारा बच्चों की कल्पनाओं को काफी सराहा गया और विजयी बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रथम विजेता को 5,000 रुपए इनामी राशि के रूप में दिए गए तो वहीं दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 3,000 रुपए की नगद राशि का इनाम दिया गया तो वहीं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 1,500 रुपए चेक इनाम के रूप में दिए गए। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रत्येक श्रेणी में 3-3 अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 500 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एशियन टी शर्ट, रिफ्रेशमेंट और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। एशियन अस्पताल के चेयरमैन और निदेशक डॉक्टर एन के पांडे ने बच्चों की कला की बहुत ही सराहना की और प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही ये भी कहा गया कि बच्चों के अंदर छुपी कला को प्रदर्शित करने का ये एक आसान तरीका है। एशियन विवेकानंद अस्पताल ने दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कहा गया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। ये हमारे यहाँ का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के द्वारा जो है पेंटिंग कंपटीशन का कार्यक्रम रखा जाता है और ये इस साल दूसरा कंपटीशन है। इसमें लगभग 700 बच्चों ने जो है कंपटीशन में हिस्सा लिया और बच्चों के पेरेंट्स ने भी जो है वो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा अपना योगदान दिया। क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे पेरेंट्स और बच्चों को, कोई अपील करना चाहेंगे बच्चों? अब अपील यही है कि जिस तरीके से उन लोगों ने उत्साह से अपना सब जो है वो कला का जो है वो दिखाया हुआ है, इससे उनकी हौसला अफजाई होगी और भविष्य में उनके लिए जो है वो हिम्मत जो है वो बढ़ती रहेगी जो इस कार्यक्रमों से। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि हमने जो यहाँ पे बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए आप आए हैं। हम लोगों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है। पेंटिंग करने का मतलब है कि मन को अस्थिर करना और जब आपका दिमाग शांत होता है तभी करते हैं। मैं खुद सर्जन हूँ तो मैं जो काम करता हूँ वो पेंटिंग जैसा ही है। तो ये आर्ट जो है हम उसको चाहते हैं कि बच्चों में कंसंट्रेशन डेवलपमेंट हो और वो अच्छा से अच्छा जिस फील्ड में भी काम करना चाहते हैं करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे उनका और हमारी हम सभी की ये सोच है एशियन की कि हम समाज के हिस्सा हैं तो यहाँ पे जो आज 1,000 बच्चे और उनके पेरेंट्स आए और हम लोगों से साथ जुड़े तो एशियन विवेकानंद का समाज के जुड़ने का एक प्रकरण है। अगर बात करें और लोग भी हैं और भी काम करते हैं, उन लोगों को कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या इस तरह के कार्यक्रम? हम कई तरह के कार्यक्रम करते हैं और अभी यहाँ हमने नहीं शुरू किया है लेकिन हम लोग जैसे जहाँ पे हैं वहाँ पे हम करते हैं कि फरीदाबाद गॉट टैलेंट, तो उसमें हर तरह की कला दिखाने का मौका देते हैं। तो मैं विशाल शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि और तरह के भी कार्यक्रम कराएँ जिससे कि हम इंटीग्रेटेड रहें।
डॉक्टर बीमारी और ये सब बीमारियों से डील करता है। जब इस तरह का खुशनुमा माहौल होता है तो सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप भी अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी होती रहे। देखिए पेंटिंग तो ऐसा है कि इसके बारे में जितना कहा जाए ये कम है, एक एक पेंटिंग जो है वो 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ में बिकती हैं। बात यह है कि जो भी पेंटिंग करता है वो इसी लेवल से शुरुआत करता है। MF हुसैन जी थे तो ऐसा तो नहीं था, पहले वो फिल्म के पोस्टर पेंट करते थे। तो मैं तो चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ आए थे उसमें से कोई MF हुसैन बने या उस लेवल की कलाकारी करे, हमारे तरफ से उनका प्रोत्साहन है।